मैनपुरी में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परम पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर का 61वां परिनिर्माण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर दीपक मेंटर मंडल कोऑर्डिनेटर के साथ वर्तमान प्रत्याशी सुरेंद्र यादव के अलावा जनपद के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर दीपक मेंटर ने मोदी के फैसले को गलत बताया। इसके अलावा सुरेंद्र यादव ने वर्तमान सपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। उन्होंने जनता से बहुजन समाज पार्टी को फिर से लाने की अपील की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 61वीं परिनिर्माण दिवस पर सिद्धा सुमन आयोजन का कार्यक्रम था। परम पूज्य बाबा साहब को सिद्धा सुमन अर्पित करने के लिए बेबर में इस कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। नरेंद्र मोदी, फैसला उनका ठीक है या गलत, क्या है ये फैसला? बिल्कुल ही ठीक नहीं है, ये गलत है। अगर जो इनके यहाँ जमा पूंजी है उसे बरामद करवाते तो ये इनका फैसला सही होता और जनता के हित में होता, लेकिन जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये फैसला है ये बहुत ही गलत निर्णय है। इससे आम जनता दुखी और परेशान है। आने अगर वोटिंग भी करा ली जाती तो नोट के साथ साथ इस देश का प्रधानमंत्री भी इस देश की जनता चेंज कर देती। के निर्देशानुसार बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया है, जो हम लोग इस विधानसभा के सारे पदाधिकारी और नौजवान साथी और हमारे सभी बुजुर्ग माताएं बहनें यहाँ आई हुई हैं, क्योंकि बाबा साहब के सपनों को पूरा करना है तो हम ही सभी लोगों को एक एक साथ जुट करके और बाबा साहब के सपनों को पूरा करना है। भाई, उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था के तो हाल बहुत बेहाल है, क्योंकि कोई कानून का राज नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है। अगर प्रदेश में कानून व्यवस्था चाहते हैं हम लोग तो बहन जी से बढ़िया कोई भी सरकार नहीं है, क्योंकि इनों पर काला धन कहाँ रख